प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पिछले 5 साल के दौरान दिल्ली सरकार ने लगातार काम किए, जिसमें दिल्ली के ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाने का काम एक अहम काम था। अगले 5 साल में दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अगले 5 साल में दिल्ली के अंदर 2 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प अपने गारंटी पत्र के माध्यम से दिल्ली के लोगों को दिया था। उसके तहत इस साल वृक्षारोपण के अभियान को शुरू करने के लिए, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आगामी 10 जुलाई से पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम वृक्षारोपण पखवाड़ा के रूप में इस अभियान को चलाएंगे, जो 10 जुलाई से शुरू होकर के 26 जुलाई तक चलेगा। 15 दिनों तक पूरे अभियान के तौर पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा 31 लाख पौधे इस साल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बड़े पेड़ भी लगाए जाएंगे और जिसमें झाड़ियां भी लगाई जाएंगी, खास तौर से सड़कों के किनारे, जिससे कि डस्ट पोल्यूशन को, जो खास तौर से PM10 को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए झाड़ियों को लगाया जाएगा। अभी जो सरकार ने लक्ष्य रखा है इस पूरे अभियान के तहत, उसमें 31 लाख जो पौधे लगाए जाएंगे, उसमें 20 लाख बड़े पौधे होंगे और 11 लाख छोटे पौधे झाड़ियां होंगी, जो सड़कों के किनारे और अन्य जगहों पर लगाई जाएंगी। इस पूरे पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो अभियान है, 10 तारीख को इसकी शुरुआत यमुना बैंक के किनारे NH20 ITO से शुरू होगा। इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, अलग अलग मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष हिस्सेदारी करेंगे। 13 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री इस अभियान में शिरकत करेंगे, जो ITO नर्सरी के पास वृक्षारोपण करेंगे। 15 तारीख को दिल्ली के परिवहन मंत्री सिटी फॉरेस्ट में वृक्षारोपण की अगुवाई करेंगे। 17 तारीख को श्रम कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी गढ़ी मांडू में अगुवाई करेंगे वृक्षारोपण की। 20 तारीख को खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन जी ITO चुंगी पर वृक्षारोपण की अगुवाई करेंगे। 22 तारीख को श्री सत्येंद्र जैन जी कमला नेहरू रिज पर वृक्षारोपण की अगुवाई करेंगे और 24 तारीख को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी गढ़ी मांडू में इसकी अगुवाई करेंगे। इसका समापन 26 जुलाई को होगा। 26 जुलाई को दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 जो विधायक हैं उनकी अगुवाई में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है, इस अभियान का जो 15 दिन का पखवाड़ा है, वो 26 तारीख को ये अभियान समापन होगा और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर ये डिपार्टमेंट इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। वृक्षारोपण का जो पूरा यह अभियान है 31 लाख का, 15 लाख पौधे लगाने का टारगेट केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए इस बार निर्धारित किया है। दिल्ली सरकार ने उससे डबल से ज़्यादा, लगभग 31 लाख पौधे लगाने का प्लान बनाया है, जिसमें 18 लाख पौधे जो है वो दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों के तरफ से लगाया जाएगा, जैसे PWD हो गया, DTC हो गया, DSIDC हो गया, इनके द्वारा 18 लाख पौधे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट लगाएंगे। 9 लाख
40,000 जो पौधे हैं वो डीडीए के माध्यम से लगाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। तीनों एमसीडी और एनडीएमसी मिला करके 2,00,000 पौधे लगाएंगे। और इसके अलावा जैसे मेट्रो है, नॉर्दर्न रेलवे है, उसके अलावा बीएसईएस है, इनके माध्यम से 2,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। तो मुख्य तौर पर इन सारी एजेंसियां दिल्ली सरकार, डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी और जो अलग विभाग हैं दिल्ली के, उन सब के माध्यम से 31,00,000 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। हर बार ये सवाल उठता रहा है कि पौधे लगेंगे तो पौधे कितने बचे, कितने पौधों का आगे विकास हुआ, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए अभी पिछले साल जो पौधे लगाए थे उनके 1 साल बाद ऑडिट करने के लिए वन विभाग द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जो है इसका ऑडिट करेगा वन विभाग के पौधों का। और हमने ये निर्णय लिया है कि अगले जो आज इस बार पौधे लग रहे हैं, 1 साल बाद ऑडिट होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट सभी पौधों का हम कराएंगे, जिससे कि इनके संरक्षण और इनके विकास का जो है वो आकलन हो सके। अभी जो पिछले दिनों जो दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली के अलग विभागों की तरफ से जो दिल्ली में वृक्षारोपण हुआ, उसमें 2019 में 325 स्क्वायर किलोमीटर हरित क्षेत्र था और वो अब अनुमान है कि हम 2021 में 2 साल पर ये सैटेलाइट द्वारा ग्रीन क्षेत्र का आकलन होता है, तो 2017 में 299 था, जो 2019 में बढ़कर के 299 से 325 हुआ और अब 2021 में इस पूरे वृक्षारोपण के अभियान के बाद उम्मीद है कि लगभग 350 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का हरित क्षेत्र हो जाएगा, जिससे दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिलेगी। थैंक यू।